सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। साथियों, आज का प्रसंग है सीता की खोज। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों के साथ रामचंद्र से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जाकर बैठ गए। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्र वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचा, जहां श्री राम निवास कर रहे थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनती भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए, हे वानर नरेश, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतएव तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो, ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीतियुक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका अकिंचन दास हूँ, मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनक नंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्र वानर युष्पतियों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सब के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहवर्धक बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए, सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है? रावण का निवास स्थान कहाँ है? उसके पास कितनी और कैसी सेना है? वह स्वयं कितना पराक्रमी है? इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। यह कार्य ऐसा है जिसे मैं कर सकता हूँ और ना ही लक्ष्मण, केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र जी का जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम दसों दिशाओं में जाकर जानकी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की, दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उत्पलकायों और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहाँ उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश, पाताल, भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। एक मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता ना लगा सके तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो। साथियों, आज के प्रसंग में हमने जाना सीता की खोज। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।